एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश आज राज्यसभा के नए उपसभापति चुन लिए गए। एनडीए के उम्मीदवार को 125 वोट मिले जबकि विपक्ष के उम्मीदवार को 105। 1 जुलाई को पीजे कुरियन की सदस्यता से रिटायर होने के बाद से ये पद खाली था। राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश को नया उपसभापति चुना गया। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को 125 वोट मिले जबकि विपक्ष के प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। एनडीए को बीजेडी, एआईएडीएमके और टीआरएस का भी समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को कांग्रेस के अलावा टीएमसी, डीएमके, वाम दलों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी और टीडीपी का समर्थन भी मिला। वाईएसआर कांग्रेस, पीडीपी और आम आदमी पार्टी के सांसद वोटिंग से अलग रहे। एज पर दी वोटिंग आईज 125, नोस 105, द मोशन इज कैरीड। I therefore declare that Sri Harivamsh has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. My entire house. Sri Harivamsh, please. He is now Deputy Chairman of the entire house. That part is over earlier. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये पहला मौका था जब राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला हुआ। 1952 से राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए 19 बार निर्वाचन की प्रक्रिया हुई, इनमें से 14 बार चुनाव नहीं हुआ। उपसभापति का पद संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 89 में इस पद की व्यवस्था है जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुन सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।